हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली रोइंग प्रतियोगिताओं में बुलंदशहर के गांव खबरा निवासी अरविंद अपनी खास पहचान छोड़ रही हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद ने 2016 में स्पोर्ट कोटे से आर्मी ज्वाइन करने के बाद अपना करियर शुरू किया। अगस्त 2018 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के बाद जब वतन वापस लौटे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलाकर 5 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इंडियन आर्मी में 54वीं इंजीनियर रेजिमेंट के अरविंद अपने खेल की कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव जिला के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। अरविंद ने गोल्ड 500 मीटर में जबकि दूसरा गोल्ड 2000 मीटर की रोइंग प्रतियोगिता में जीता है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के लिंच सिटी में हुई वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप में अरविंद ने भारत को 13 स्थान दिया, जबकि अक्टूबर 2019 में भारत को एशियन रोइंग चैंपियनशिप 1 रजत और दिसंबर 2019 में हैदराबाद में हुई नेशनल चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। अरविंद द्वारा 2 रजत जीतने के बाद गांव में खुशी का माहौल है, जबकि खुर्जा उप जिलाधिकारी ईशा प्रिया व खुर्जा क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह ने अरविंद को मय परिवार बुलाया और बधाई देकर सम्मानित भी किया। उपलब्धता मिली है साहब, मेहनत ही सफलता की कुंजी है और मुझे बड़ा गर्व है अपने बेटे पे और गर्व ही रहेगा और मैं चाहता हूँ इसी तरह नाम करता रहे। इसमें अपने गांव का नहीं, देश में, जिले का और पूरे भारत में ही इसने नाम किया है। वो मतलब खुशी की लहर चल रही है, मतलब जो का नाम है अपने, मतलब जो परिवार में खूब खुशी की लहर चल रही है। अच्छा, बेटा आपका है तो आपके पास ज्यादा रहे होंगे। हाँ। तो आपको शुरू से लगा कि ये गेम खेलने जाएगा और इसका मन लगता है या पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे? ये मतलब जो इसका मतलब जो कहना में बाहर जाने का ही ज्यादा मतलब जो भविष्य पहले थे बहुत ज्यादा मतलब जो मेहनत करता है पहले थे। देखो, मैं खेल के आया था एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2019 में, इसी साल में अक्टूबर में मैंने खेला था ये, और वहाँ से जैसे मैंने देश के लिए खेला तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कौन कौन सी उपलब्धता आपको मिली है, कौन कौन से मेडल आपने जीते? ये खेला तो मैंने सन 2016 में था, मैं वैसे छोटे छोटे गेम खेलता था सेंटर की तरफ से जैसे पूना में जाके, उसके बाद मैंने 2018 में एशियन रोइंग चैंपियनशिप एशियन गेम्स में 2018 में गया था जकार्ता इंडोनेशिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ इंडिया वापस आया, फिर 2018 में मैंने नेशनल रोइंग चैंपियनशिप खेली है पुणे में, उसमें मेरे 2 गोल्ड थे। अच्छा, इसके अलावा और भी गोल्ड मेडल भी आपका खिताब मिला गोल्ड मेडल का? जी, फिर उसके बाद 2019 में मैं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया लिंच सिटी में, उसके फिर वहाँ के आने के बाद फिर मैं 2019 में एशियन रोइंग चैंपियनशिप खेलने गया था, सिल्वर मेडल लिया था मैंने। आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है जी, अपनी कामयाबी के पीछे किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा कि उन्होंने मेरे सबसे ज़्यादा साथ? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, जैसे उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया और जैसे मेरे विषय में कहना में मुझसे ज़्यादा विश्वास उनको रहता है। एक बार मेरे मन में ये आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे माँ बाप को ये रहता है मुझसे ज़्यादा विश्वास किए करके आएगा। इस उपलब्धता के बाद अब अरविंद का चयन टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के ट्रायल के लिए हो गया है, जहां ट्रायल में सफल होने के बाद वो देश के लिए ओलंपिक में रोइंग खेलते हुए नजर आएंगे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।